नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। सर्वप्रथम मित्रों, 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर आप सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी में देशभक्ति, देश सेवा की भावना का संचार हो। इस राष्ट्रीय पर्व की पूर्व संध्या पर मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगा अपने देश भारत की। मैंने सोचा कि इस नए साल में सभी राशियों पर तो बोल चुका हूँ, तो क्यों ना आज भारत के संदर्भ में अपने विचार रखूं, कैसा रहेगा आने वाला वक्त भारत के लिए। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा भारत पर। मित्रों, पिछले एक वीडियो में आपको भारत की कुंडली के विषय में संक्षिप्त रूप से कई बातें बता चुका हूं। जब हमें 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में आज़ादी मिली, तो उस वक्त ऐसा मैंने सुना है कि जो भी अधिकाधिक संभव शुभ मुहूर्त हो सकते थे उस पर ज्योतिषियों ने विचार किया था। शत प्रतिशत शुभता पा लेना तो संभव नहीं होता, इसलिए उस कुंडली में कुछ बातें बहुत अच्छी रहीं और कुछ ग्रहों की स्थितियां हमारे प्रतिकूल भी रहीं। वृषभ लग्न की भारत की जन्म कुंडली में लग्न में उच्च के राहु विराजमान थे। वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, स्थायित्व की दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है। लग्न में उच्च के राहु भारत की कुंडली को बहुत प्रभावित करते हैं। राहु की वजह से भारत एस्ट्रोनॉमी व आईटी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ा और आगे अभी और भी बढ़ेगा और दुनिया में अपनी बादशाहत इस क्षेत्र में कायम करेगा। लेकिन यहाँ राहु ने शुरुआती वर्षों में दुनिया के सामने हमारी स्थिति ठीक से प्रदर्शित भी नहीं होने दी, क्योंकि राहु भ्रम का कारक भी है। इसलिए इसके प्रभाव के कारण हमारे देश को लेकर दुनिया के बीच एक भ्रम की तस्वीर पहुंची, सही तस्वीर नहीं पहुंची। लग्नेश शुक्र तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में है, जहां पर उसके साथ चार अन्य ग्रह सूर्य, शनि, बुध, चंद्र भी हैं। भारत की जन्म राशि कर्क है। इस तरह तृतीय भाव में 5 ग्रहों की युति है, यानी लग्नेश राशि, आत्मकारक सूर्य, बुद्धि कारक बुध और कर्म कारक शनि। लग्न का नक्षत्र कृतिका है, बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। चंद्रमा का नक्षत्र पुष्य और शुक्र का नक्षत्र आश्लेषा। शनि और शुक्र अस्त भी हैं। भारत की दशा का आरंभ ही शनि की दशा से हुआ, इसलिए शुरुआती समय में हमारे देश को कष्ट भी बहुत झेलने पड़े। शनि कर्म कारक भी है, वृष लग्न में योग कारक भी होता है, लेकिन अस्त है। शनि लोकतंत्र का कारक भी होता है। कष्ट तो हमने खूब उठाए, लेकिन लोकतंत्र का रास्ता पकड़े रहे। लग्नेश शुक्र के साथ शनि के होने से ही ये संभव हो पाया। भारत की प्रगति धीरे धीरे परंतु मजबूती से होती रही और होती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसकी प्रगति रोक नहीं सकती। भले ही हम आपस में मतभेद रखें, भाषाई और जातिवाद धर्मवाद में रहें, परंतु संकट में सब एक हो जाएंगे। लोकतंत्र में स्थायित्व रहेगा। बुध तृतीय भाव में है, जो शुक्र और शनि का नक्षत्रपति भी है। तृतीय भाव में हमारे देश की मेधा शक्ति को शिखर तक पहुंचाएगा। ये तृतीय भाव में बुध के होने का ही असर है कि हमारा देश मेधा शक्ति के मामले में दुनिया में किसी भी देश से कम नहीं होगा, भले ही धीरे धीरे हो। देखिए, आज इसरो को देखिए तो नासा से कम तो नहीं है इसरो की शक्ति। इसरो की उपलब्धियां नासा से किसी मामले में कम नहीं है, और धीरे धीरे हम लर्निंग में और मजबूत ही हुए हैं और होंगे। मंगल मार्केश है भारत की कुंडली में, और द्वादश भी, और ये द्वितीय भाव में बैठा है, जो अच्छा नहीं कह सकते। ये अंदरूनी उथल पुथल मचाता रहेगा, हमारी आंतरिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करता रहेगा। हमारी वाक शक्ति ज़्यादा सहयोगी तो नहीं रहेगी, और इसका एग्जाम्पल्स भी देखिए आप कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान से हमने भले ही युद्ध जीते हों, लेकिन वार्ता की मेज पर हमेशा हारे हैं। वैसे इसकी वजह एक और भी है कि लग्न और राशि दोनों स्त्री राशि हैं। शुक्र व चंद्रमा
दोनों मृद ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, इसलिए हम अति सहिष्णु रहे, गुट निरपेक्ष रहे। ये दोनों ग्रहों के कारण हम शांति के पक्षधर और क्षमाशील रहे। मित्रों, इस स्वभाव से हमारे देश को हानि भी बहुत उठानी पड़ी। गुरु छठे भाव में अपने ही नक्षत्र में नवांश में देखें तो वृष राशि में है और लग्नेश के नवांश में है। भारत की कुंडली में गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रहा है और रहेगा। कर्म भाव के भाग्य में गुरु के होने से समय समय पर अनेक संतों, धार्मिक प्रचारकों, विचारकों ने विदेशों में भारत की छवि बढ़ाई है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। चाहे वे ओशो रहे हों, महेश योगी रहे हों, या वर्तमान में देखें तो बाबा रामदेव, ऐसे ही कुछ प्रभाव केतु भी देता है। केतु सेवेंथ हाउस में है, सपोर्टिंग हाउस में बैठकर दिक्कतें तो खड़ी करते हैं यहाँ के शासकों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो भारत की तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं, परंतु ये केतु भारत को अध्यात्म में भी बहुत आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण संकेत देती है कि भारत को वही लोग तरक्की के रास्ते पर ले जा पाएंगे जो थोड़े स्पिरिचुअल होंगे। स्वर्गीय कलाम साहब को देखिए, जो राष्ट्रपति थे, बहुत आध्यात्मिक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखें, लाल बहादुर शास्त्री को आप देखें, तो ऐसे कई अन्य लोग भी हुए हैं जिन्होंने जो बड़े सरल स्वभाव के थे, संत प्रवृत्ति के थे और भारत की तरक्की में उन्होंने अपना खूब योगदान दिया। मैं समझता हूँ कि वर्तमान प्रधानमंत्री भी संत प्रवृत्ति के हैं। एक यह भी कारण है कि मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि मोदी जी व योगी जी भारत को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें क्षमता है। ये बात सिर्फ शासकों के लिए ही नहीं है बल्कि आम जनमानस के लिए भी है कि अपनी सादगी, यदि हमारे देश के लोग अपनी सादगी से, अपने सत्कर्मों से देश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, इस वक्त भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, जो कि एक अच्छा समय कहा जा सकता है। गोचर की बात करें तो राहु 7 मार्च से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। राहु भारत की कुंडली में उच्च राशि के होकर के लग्न में है, इसलिए द्वितीय भाव में राहु का गोचर भारत के संचित कोष को बढ़ाने वाला होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, भारत के निर्धन और निम्न वर्ग को ज़्यादा लाभ होगा, शेयर बाजार मजबूत होगा, लोगों का आर्थिक स्तर सुधरेगा। लेकिन यहाँ पे राहु भारत में भीतरी माहौल में भी हलचल उत्पन्न करेगा, जनमानस में भ्रम की स्थिति, वाद विवाद, टकराव की स्थिति भी क्रिएट होगी, क्योंकि मंगल द्वितीय घर में है। भारत की जो मूल कुंडली है उसमें मंगल सेकंड हाउस में है और वहाँ से राहु के गोचर को अच्छा नहीं कहा जा सकता। सरकार को अंदरूनी स्थिति पर ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी, सतर्कता बढ़ानी होगी। इस वर्ष भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर भी बहुत सचेत रहना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई और भी घटना घट सकती है, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, पड़ोसी देश से झड़पें बढ़ जाएंगी, पड़ोसी दुश्मनी की सारी हदें पार करके हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर सकता है। आंतरिक माहौल जो होगा भारत का, उसमें विघटनकारी शक्तियां सर उठा सकती हैं, इसलिए सरकार को इन सब चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होगी। लेकिन कुल मिलाकर आने वाला वक्त भारत का है मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है, भारत प्रगति करेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।